अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कबूतर बाज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लाल दुबाज कबूतर की नस्ल कैसे बनाए। तो भाइयों, इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और सीखने को भी कुछ मिलने वाला है। तो भाइयों, लाल दुबाज कबूतर की हम नस्ल ही नहीं बल्कि उसकी उड़ान, उसकी नस्ल और उसका कलर भी बनाने वाली है। यानी कि लाल दुबाज कबूतर पूरी नस्ल के साथ, पूरी उड़ान के साथ बनाने वाली है, यानी कि कोई उसके अंदर क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो भाइयों तो वीडियो आखिर तक देखिए, एक एक पार्ट देखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको। तो भाइयों, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो आपको दिखाई थी, मैंने डाली थी काले दुबाज कबूतर की नस्ल कैसे बनाए, उसके ऊपर अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छा भाइयों का सपोर्ट मिला। मेरे जितने भी चैनल के ऊपर चाहने वाले भाई है, उनको अच्छा, उन्होंने अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा। और दोस्तों, इस मैं जो लाल दुबाज कबूतर नस्ल जो बनाने मैं आपको बताने वाला है कैसे बनानी है, इसके मैंने भी एक ट्राई किया था और उसके ऊपर मैं ये सक्सेस हुआ हूँ मैं उसके ऊपर। तो भाइयों, आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उसकी वो बात। तो भाइयों, क्या क्या भाई कहते हैं कि नस्ल यानी कबूतरबाजी अलग अलग तरीके होती है। फैंसी कबूतरों की तो होती है अलग, उड़ान वाली भी होती है, नस्ल वाली भी होती है और कलर वाली भी होती है। तो भाइयों, मेरा ऐसा कहना है कि ऐसी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो मैं करने वाला हूँ, नस्ल भी, उड़ान भी और कलर भी, एक हमें दुबाज करना है, यानी कि उसे पूरी तरीके से मिलाकर बनाना है। तो ये कैसे बनाए, तो भाई इसे थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। भाई अगर आप लाल दुबाज कबूतर को फॉलो करते हो या लाल दुबाज कबूतर को लाइक करते हो और वो अपनी पेटी पर आप उसे लाना चाहते हो, उसे बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखे। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे नस्ल बनाने के बारे में, ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, और वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, तो भाइयों आपको क्या करना है, लाल दुबाज कबूतर नस्ल बनाते वक्त, यानी आपके पास एक ही लाल दुबाज कबूतर नहीं है, तो भाइयों आप वो नस्ल कैसे बनाए। ठीक है दोस्तों, पहले तो आपको क्या करना है, आपके पास कौन सी भी नस्ल हो, या मद्रासी हो या पंजाबी हो, कौन सी भी नस्ल हो, उसके साथ आपको क्या करना है, लाल दुबाज कबूतर नस्ल बनानी। मैं बताता हूँ कैसे बनानी। भाइयों पहले तो क्या करना है, आपको पूरा लाल कबूतर लेना है, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ पूरा लाल कबूतर, यानी वो नर मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, और वो मद्रासी हो या पंजाबी हो, कौन सा लाल एक पूरा कबूतर लेना है। ठीक है, और दूसरा जो कबूतर लेना है वो सफेद लेना है, वो नर ही हो या मादी हो। ठीक है, तो भाइयों आपको क्या करना है, लाल कबूतर और सफेद कबूतर को आपका उसका जोड़ा बटाना है, लाल नर हो तो चलेगा और सफेद मादी हो तो चलेगी, या सफेद नर और लाल मादी, कौन सी भी नस्ल, पंजाबी हो, मद्रासी हो, पालतू हो, या कौन सी भी नस्ल की हो। हाँ भाइयों, आपको क्या करना है, इसके साथ दोनों आपको उसका लगा लो, यानी कि पूरा लाल और पूरा सफेद का ब्रीडिंग कर दोगे। ठीक है, वो क्या होगी, आग भी एक साल की होगी और उड़ान भी एक जैसी, आपका कौन सा भी कबूतर आठ आठ घंटे सात घंटे कितना उड़ रहा है, मेल भी फीमेल भी आठ सात घंटे उड़ रहे, क्या करना है, उड़ान एक जैसी करनी है और उनका कलर जो है लाल और सफेद वो एक जैसा होगा। ठीक है, और क्या होगी, नस्ल भी एक जैसी होगी। ठीक है, और लाल और सफेद का क्रॉस ब्रीडिंग करने से क्या होगा, लाल दुबाज कबूतर की नस्ल बन सकती है, ये 100% बन सकती है भाइयों, क्योंकि ये मैंने आजमा कर देखा है, मैंने अपने कबूतरों पर अपने करके देखा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, आपकी जो आने वाली जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो क्या होगी, नस्ल भी बनेगी और दुबाज कलर भी, लाल दुबाज कलर भी बनेगा और जो आप ब्रीडिंग कर रहे हो वो नस्ल बनेगी। ठीक है, आपको भाई क्या करना है, पहले वक्त क्या होगा, पहली जो वो ब्रीडिंग करेंगे यानी कि वो अंडे डालेंगे, तो भाई क्या होगा, जैसे कि नर और मादा दूसरी जोड़ी के साथ होगी पहली बार, तो वो क्या होगा, उनकी जो मीटिंग होगी वो अंडे हो वो डालेंगे। ठीक है, पहली बार की जो अंडे है वो क्या करना है, आपको फेंक देने, या और भी एक रास्ता है उसके लिए, फेंक देने से अच्छा है कि आपके पास अगर नो फ्लाई यानी कि कोई भी कबूतर नहीं उड़ता, यानी कि अगर आप फेंकते हो अपने पेटी के ऊपर या दो या चार राउंड मार के छठ से बैठ जाती कबूतर, इसे बोलते हैं कोई उड़ता नहीं कबूतर, है ना। ठीक है, वो कबूतर लेना है, वैसे आपको चार या पांच जोड़ा रखना है भाइयों, ये आपको रखना है क्योंकि ये बहुत फायदा दे सकती है आपको। ठीक है, तो क्या करना है, जब वो जोड़ा पहली बार अंडे डालेगा उसके नीचे डाल देना, देख क्योंकि वो कोई दूसरे नर या महाराज की मीटिंग की वो अंडे होंगे। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, दूसरे के जो नीचे रख देना है। और भाइयों जो दूसरे उक्त अगर वो अंडे डालेंगे तो भाई 100% एक ना एक लाल दुबास कबूतर और अपने माँ या बाप की पूर्ण उड़ान और नस्ल परफेक्ट बन जाएगी भाइयों। या आप पंजाबी लो या मद्रासी लो, ठीक है, इस तरीके से आपको लाल दुबास कबूतर की नस्ल बनानी है भाइयों। हाँ, ये मैंने करके देखा है भाइयों, ये आसान है, सिर्फ इसका दिमाग का इस्तेमाल करोगे आप तो फट से हो जाएगा। कोई इसके अंदर कोई अलग नहीं, क्या यानी कि उड़ान कम हो जाएगी बच्चों की, कुछ नहीं, आप एक जैसी उड़ान लगा रहे हो, एक जैसी नस्ल लगा रहे हो। सिर्फ जो नस्ल में कलर है यानी कि लाल और सफेद, वो सिर्फ आप ब्रीडिंग क्रॉस कर रहे हो, सिर्फ कलर की ब्रीडिंग आप क्रॉस कर रहे हो। इसका मतलब वहां पर कोई चोट नहीं पहुंच सकती, कलर उनके आईज, वो कलर दो बाज रहेगा, आईज जो है नर और मादा की एक जैसी लगानी है, जैसे कि बच्चों की भी एक जैसी निकले, ठीक है। आईज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कबूतर उड़ान वाले नस्ल वाले उड़ान देते, बच्चे भी उड़ान देंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। और ये आपको करना है, फट से करना है अभी अभी। अगर आपके पास लाल या सफेद जुगाड़ करना है किसी भाई के पास जाकर या किसी पर जाकर या किसी बाजार में जाकर, वही नस्ल वही एकदम आग भी परफेक्ट लगानी है और नस्ल उड़ान एकदम मिलाकर वो जोड़ा लगाकर आपको लाल दुबास कबूतर जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकती है अपनी बेटी के ऊपर, अगर आप इस तरीके से करोगे तो भाइयों, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप जोड़ा लगाओ, पंजाबी हो या मद्रासी हो, किसी भी नस्ल का हो भाइयों, वो लाल लगाओ, उड़ान सेम होनी चाहिए, सिर्फ पूरा लाल कबूतर और पूरा सफेद इसका क्रॉस लगाना है, बाकी नस्ल वही रखनी है। उड़ान कुछ भी कर सकते, 4-5 घंटे उड़ सकता है, ये 7-8 घंटे उड़ सकता है, लगा सकती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं, उड़ान अपने माँ बाप के ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपको लाल दुबास कबूतर की नस्ल बनानी है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और हमें कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। और अभी कोई ऐसी ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो हमारे पास से ले सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको मैं बता सकूँ ऐसे जोड़ा लगाने से ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाए जिसकी मेरे पास ये सक्सेस हुई है। और आप भी सक्सेस करके देखो और मुझे बताओ कि भाई ये सक्सेस हुआ कि नहीं, 100% आपके पास ये सक्सेस होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए